नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है केस स्टडी और केस वर्क। यहाँ पर केस स्टडी हम नर्सिंग एजुकेशन में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की टेक्निक के रूप में पढ़ रहे हैं। तो केस स्टडी क्या है? एक ओल्ड मेथड है। केस स्टडी मींस सिस्टमेटिक कंप्लीट एंड इंटेंसिव स्टडी ऑफ द प्यूपिल, हिज फैमिली बैकग्राउंड, हिज फिजिकल सोशल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट। तो केस स्टडी का मतलब है हम सिस्टमेटिक कंप्लीट और इंटेंसिव स्टडी करते हैं प्यूपल के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके बैकग्राउंड, उसके फिजिकल सोशल और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मॉडर्न काउंसलिंग, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मॉडर्न काउंसलिंग का। एक केस स्टडी कंटेन इंटरप्रिटेशन रिकमेंडेशन एंड रिपोर्ट्स इन फॉलो अप वर्क। तो इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इंटरप्रिटेशन रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स फॉलो अप वर्क के लिए। स्टेप क्या क्या होते हैं कि स्टडी में? लोकेशन ऑफ द केस कहाँ पे है, देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम प्यूपिल पेरेंट एंड रिलेटिव से डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं डाटा का और फिर फॉलो अप करते हैं। तो इस तरह से केस स्टडी में स्टेप आ गए, लोकेशन ऑफ द केस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम पीपल पेरेंट रिलेटिव्स, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड फॉलो अप। टाइप ऑफ केसेस, प्रॉब्लम चिल्ड्रन हो सकते हैं इसमें, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन हो सकते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन और स्लो लर्नर हो सकते हैं, माल एडजस्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो ये इसमें केस हो सकते हैं। देन एडवांटेज ऑफ क्या होगा केस स्टडी का? बेसिस फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का बेस बनता है ये, यूज़फुल रिसर्च टेक्निक है, सूटेबल एडजस्टमेंट होता है इसमें फॉर सोशल वर्कर यूज होती है। देन लिमिटेशन क्या होंगी केस स्टडी की? इट इज़ ए सब्जेक्टिव टेक्निक है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर केस स्टडी बनाने में परेशानी आती है, एंड वी नीड एक्सपर्ट एंड ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है इसमें, वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट द रिजल्ट को, इंटरप्रेट करना बहुत ही, व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक था केस स्टडी एंड केस वर्क। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।